लेट्स डू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ एक्सरसाइज थ्री ई दैट इज लीनिंग इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज एट वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का सम जो भी वैल्यू न्यूमरेटर की है और या जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर की है अगर इन दोनों का सम करें तो ऑफ अ फ्रैक्शन इज एट तो दोनों का सम एट आता है अब कह रहा है इफ थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में भी थ्री ऐड किया गया और डिनोमिनेटर में भी थ्री ऐड किया गया देन इट बिकम्स थ्री द फ्रैक्शन बिकम थ्री अपॉन फोर तो वो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी थ्री अपॉन फोर आ जाएगी राइट right? तो आगे कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन हमें फ्रैक्शन निकालनी है तो हम कह रहे हैं लेट न्यूमरेटर का क्या इतना है लेट द न्यूमरेटर बी एक्स न्यूमरेटर हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y डिनोमिनेटर b y राइट right? अब क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एट कि न्यू फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम एट है तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया एट ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है सेकेंड इक्वेशन के लिए कह रहा है इफ थ्री इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर थ्री एड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारी फ्रैक्शन थ्री बाय फोर हो जाएगी तो कैसे करेंगे देखिए अगर हमने x अपॉन वाई फ्रैक्शन होती है इसमें थ्री एड किया दोनों में तो हमारी फ्रैक्शन आ गई क्या कह रहा है थ्री ऐड करने पे थ्री अपॉन फोर आ गई तो हमारी फ्रैक्शन आ गई थ्री अपॉन फोर तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू थ्री इंटू वाई प्लस थ्री ओपन किए ब्रैकेट्स तो ये आया फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस थ्री थ्री इजा नाइन अब एक्स और वाई की टर्म्स एक साइड राइट right? और ट्वेल्व दूसरी साइड चला गया नाइन माइनस ट्वेल्व तो ये कितनी आ गई इक्वेशन थ्री फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अब दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं पहली आई थी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एट ये आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आई थी फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री ये आई थी हमारी सेकेंड इक्वेशन राइट तो आप देखिए अब हम देखें कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई कर दूं या थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएंगे तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई multiply कर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय थ्री तो ये कितना आ गया थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और दूसरी इक्वेशन आ गई फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का था एक्स वाली टर्म्स आ गई सेवन एक्स क्योंकि दोनों प्लस की थी ये ट्वेंटी फोर और थ्री एक प्लस का एक माइनस का है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का तो एक्स कितना आ गया ट्वेंटी वन अपॉन सेवन दैट इज थ्री आई एम नाउ पुटिंग एक्स इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन वन वन में रखा तो ये आ गया थ्री प्लस वाई इक्वल्स टू एट तो वाई कितना आ गया वाई आ गया हमारा एट माइनस थ्री तो वाई आ गया हमारा फाइव और हमें क्या निकालना था अगर आप क्वेश्चन देखें फाइंड द फ्रैक्शन फ्रैक्शन निकालनी है हमें तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई फ्रैक्शन हमने मानी थी एक्स अपॉन वाई क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है x माना था और डिनोमिनेटर वाई माना था ये थी फ्रैक्शन तो एक्स की वैल्यू कितनी थी थ्री और वाई की वैल्यू फाइव इस द आंसर